बीए प्रोग्राम DUSOL, जी हाँ, आपके इंटरनल असेसमेंट सेकंड सेमेस्टर के शुरू हो रहे हैं 8 जुलाई से और वो खत्म हो जाएंगे 15 जुलाई को। उसके बाद आपके थ्योरी के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है ना, बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपके बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर के जो इंटरनल असेसमेंट एग्जाम होने वाला है उसके बारे में, पोर्टल ओपनिंग के बारे में भी आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल के नोटिफिकेशन के साथ, और टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर सब जगह सीपी क्लासेस अवेलेबल है, ज्वाइन फास्ट अस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। देखिए, जैसा आप सब जानते हैं, आपका बीए प्रोग्राम का जो इंटरनल असेसमेंट है जो कि ऑनलाइन मोड पर एमसीक्यू बेस्ड हो रहा है, वो 8 जुलाई से शुरू होगा और वो आपका 15 जुलाई तक चलने वाला है। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पूरी की पूरी डेट शीट है आपकी जो मैंने दिखाई है। अगर आप में से किसी के पास डेट शीट नहीं है तो आपको सबसे बढ़िया काम रहेगा, आप अपने पोर्टल को लॉगिन कर वहां पर अपनी डेट शीट देख सकते हैं। अदरवाइज मैं इस डेट शीट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाइए और इस डेट शीट को पूरा की पूरा आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी मार्किंग, अपने डेट, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरी बात ये, आपका जो पेपर है फीमेल्स के लिए वो 10 बजे होगा और मेल के लिए आपका जो पेपर है वो है 2 बजे। फीमेल और मेल का अलग अलग टाइमिंग रखा गया है एग्जाम्स का, और 8 तारीख तक शुरू होंगे, 8 तारीख को शुरू होकर वो आपके 15 जुलाई तक चलने वाले हैं। अब इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है यहाँ पर? इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए यहाँ पर कि आखिर हमारा जो इंटरनल एग्जाम है वो किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा। देखो, इंटरनल एग्जाम कैसे देना है, क्या प्रोसेस है, ऑलरेडी उसके रिगार्डिंग मैं वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ, वो आप जाकर प्लेलिस्ट में, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, वहां जाकर आप वो सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके दिमाग में है वो ये है कि आखिर हमारा पोर्टल ओपन कब होगा, हम अपने पोर्टल पर कब लॉगिन कर पाएंगे। तो देखिए, मैं आपको आपके पोर्टल पर लेकर चलता हूँ जहां आपको जाकर लॉगिन करना है, और ये लॉगिन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। मैं आपको लेकर आ गया हूं आपकी वेबसाइट पर। एक वेबसाइट है जहां पर आपको अपना स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन करना है, assignment.sol.du.ac.in। इस पोर्टल पर आपको जाकर लॉगिन करना है, लिंक मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको देने वाला हूं। देखिए, जब आप इस पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए आते हैं तो यहां पर मेंशन है DDCE SOL COL इंटरनल असेसमेंट 2023 फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड यूजी स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द प्रोग्राम एक्सेप्ट बीए प्रोग्राम। ध्यान से मेरी बात समझ लीजिए, अभी बीए प्रोग्राम का पोर्टल जो है वो अभी ओपन नहीं होगा क्योंकि आपका पेपर 8 तारीख को है। आज जब ये वीडियो बन रहा है तो 6 जुलाई है, हो सकता है 6 जुलाई की शाम तक, दोपहर तक कभी भी ये पोर्टल लॉगिन होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर 7 तारीख को हो सकता है आप अपने पोर्टल पर लॉगिन कर पाए। तो आपका काम क्या है, आप बीच बीच में इस चीज को चेक करते रहे, और जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहां पर अपना सोल का रोल नंबर डालना है इस फॉर्मेट में, जैसे मैंने डाला हुआ है 22-1-02-0081 से। उसके बाद अपना बारकोड यहां पर डालना है आपको, ठीक है। बारकोड डालने के बाद आपको अपना ये नंबर जो कैप्चा पूछ रहा है वो 9+6 आप यहां फिल करेंगे, एंड उसके बाद आप अपने पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे। तो इस तरीके से बीए प्रोग्राम वाले बच्चों का अभी पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा है बिकॉज अभी तक वो पोर्टल एक्टिवेट ही नहीं किया गया है। जैसे ही पोर्टल लॉगिन होगा उसके बाद आप अपने पोर्टल पर जब जाएंगे वहां पर आपके हर सब्जेक्ट के सामने टाइमिंग, डेट सब मेंशन होगा, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको कल की बता दूं, कल एक बच्चे का मेरे पास फोन आया और उसने समझा कि मेरे सारे पेपर 2 बजे हैं, जबकि उसका पहला कल वाला जो पेपर था वो सुबह 10 बजे था और उसने वो पेपर मिस कर दिया। तो ऐसा ना हो इसके लिए आप अपना पूरा जो भी आपकी डेट शीट है उसको रिकॉर्ड अपने पास रखें, एक पेज पे, एक कॉपी पे, जहां भी आप रखना चाहते हैं, जिसको आप रेगुलर देख पाए, ताकि उसके हिसाब से आप अपना टाइमली वो एग्जाम दे पाए, ऐसा ना हो कि आपका एग्जाम मिस हो जाए। तो बड़ी खबर यह है बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए, अभी आपका पोर्टल लॉगिन होना स्टार्ट नहीं हुआ है, बट मैंने प्रोसेस आपको समझा दिया है किस तरीके से आपको पेपर देना है, किस तरीके से आपको अपना लॉगिन करना है। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, आज या कल आपका पोर्टल एक्टिव हो जाएगा, लॉगिन होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपके बाद धीरे धीरे सभी पेपर के लिंक वहां पर शो होने शुरू हो जाएंगे और आप अपना एग्जाम दे पाएंगे। वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। मुझे बनाना इसलिए पड़ा बिकॉज कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा पोर्टल लॉगिन कब स्टार्ट होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल बेल के नोटिफिकेशन के साथ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।